depends. I always start my day with a fruit in the morning, and I love, the seasonal fruit, but guava is one of my favorite fruit. So I'm gonna have it. It's healthy and good for digestion. And here the guavas are ready for eating. Now I'll take some pinch of kala namak or black salt, we call it. ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया, बट दैट्स ओके, आई कैन हैव इट. सो हियर आई एम एंजॉयिंग दिस गोवा. इट्स लवली, इट्स वेरी स्वीट बाय द वे. नो, सिंस गोवा इज गुड फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, तो ये फैट रिडक्शन में भी काम करता है. अगर आप ओबीज या मोटे हैं, तो आप अगर ब्रेकफास्ट में गोवा खाते हैं, या तो ये आपका मोटापा भी कम करता है और डाइजेशन इम्प्रूव करता है. तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको. हेलो गाइस, नाउ दिस इज माय लंच टाइम. सो यू कैन सी मैंने चॉप करके सब रख लिया है. यहाँ पे अनियन, प्याज, चटनी और हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने ये चटनी का यूज करना है. और आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं देसी घी का यूज़ करूँ, बिकॉज आई लव इट. और ये इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर बोन्स. तो मैंने ये एक स्पून देसी घी डाला है. अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगा. ये इसमें थोड़ा सा जीरा डाला है मैंने. अब मैं ये इसमें प्याज डाल दूंगा. अब मैं इसमें ये टोमेटो ऐड कर दूंगा चॉप किए हुए. अब ये थोड़ा सा पक गया है, तो अब मैं इसमें ये पनीर के पीसेस डाल दूंगा. और अब मैं इसमें थोड़ी सी ये चटनी ऐड कर दूंगा, जो मुझे बहुत पसंद है और डाइजेशन को भी अच्छा रखती है. और अब मैं इसमें ये ओट्स का पैकेट डाल दूंगा. अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगा. और आई ऑलवेज इंश्योर कि मैं ज़्यादातर कॉपर के मग में पानी पीऊँ, बिकॉज ये बहुत सारे इशेंशियल जो आपके मेटल्स हैं जो बॉडी को चाहिए होते हैं, वो आपको देते हैं. अब ये देखिए, ओट्स ने थोड़ा सा बनना स्टार्ट कर दिया है. अब जब तक ये ओट्स बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ ओट्स के क्या फायदे. ओट्स एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फूड है. आप अपने डेली रूटीन में और अपना डेली लाइफ में इसे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ओट्स में क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन भी होता है और उससे भी ज़्यादा इसमें फाइबर होता है, जो फाइबर आपके डाइजेशन को अगेन इम्प्रूव करता है. आप सोच रहे होंगे मैं डाइजेशन की बात बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि डाइजेशन ही आपका फैट रिडक्शन में काम करता है. क्योंकि बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिज्म होता है जो ऑटोमेटिकली फैट को रिड्यूस करता है. आप एक्सरसाइज कम भी करते हैं या ज्यादा भी, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो मोटे नहीं होते, खाते ज्यादा भी हैं तो भी, वो उसका रीजन ये होता है, उनका मेटाबॉलिज्म हाई होता है और वो उनका डाइजेशन बहुत फास्ट फास्ट करता है, तो वो छोटे छोटे इंटरवल्स में ज्यादा खा पाते. तो चलिए, जब तक ये बन रहा है और करते हैं आगे. अभी मैं बताता हूँ आपको कैसा बनेगा ये और क्या क्या चीजें इसमें और ऐड होनी है. अभी नाउ द ओट्स आर रेडी एंड आई एम गोना ऐड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर. है यू गो. एंड एक्चुअली ब्लैक पेपर, इट हेल्प्स योर इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस ऑफ द फूड. तो बहुत जरूरी है आप काली मिर्च का यूज करें अपने खाने में, जिससे आपकी इंटेस्टाइन हेल्दी रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी. नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय द फूड. इट्स वेरी हॉट, सो यू मस्ट ट्राई इट एट योर होम एंड फॉलो. लेट मी नो हाउ इट टेस्ट फॉर यू एंड हाउ इट बिकम्स. दिस इज माई स्नैक्स टाइम नाउ. सो व्हाट डू आई हैव इन स्नैक्स, देर इज भुने चने और ये कुछ मखाने हैं विच आई लाइक द मोस्ट. और कभी कभी मैं इसके साथ ब्लैक कॉफी ऐड कर लेता हूँ इवनिंग स्नैक्स में.
Now this is my dinner time, and I'm gonna have some mixed vegetables. So जो भी seasonal vegetables हैं वो आप ले सकते हैं, और साथ में I usually prefer दो या तीन रोटी, और that's it for the dinner. और उसके एक घंटे बाद approx. Here it is the time for my milk. So I usually take this mug of my milk. अच्छा, मिल्क में मैं एक स्पेशलिटी में थोड़े से छुआरे होते हैं यूजली, तो मैं छुआरे ऐड कर लेता हूँ उनको दूध में उबालते उबालते, और छुआरे वाला मिल्क मैं रात को, उसमें चीनी ऐड नहीं करता हूँ, तो आप भी मत करिएगा, और वो मैं पीना पसंद करता हूँ. और रात को दूध पीने के बाद यूजली मैं 500 के आसपास स्टेप्स चलने के बाद, सो दैट वो डाइजेशन में अगेन हेल्प करते हैं, फिर मैं सो जाता हूँ. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेट्स स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो. बाय.